नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डबल वन। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह शुभ मुहूर्त। पांच मार्च 2023 दिन रविवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:07 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 9:30 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग रात 8:21 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 से 6 तक, यमगंड काल दोपहर 12:33 से दोपहर 2 तक, गुलिक काल दोपहर 3:28 से शाम 4:56 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब हम राशिफल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहली राशि मेष राशि। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। मेष राशि का ग्रह गोचर आज का ये है कि लग्न में राहु है, द्वितीय भाव में मंगल लग्नेश है, राशिश है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वगृही है। अगर देखा जाए तो आमदनी के स्थान में सूर्य बुध शनि की युति बनी हुई है। नया कारोबार आपको धन लाभ कराएगा। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कंधों में दर्द आपको परेशान करेगा। व्यर्थ में गुस्सा बिल्कुल ना करें और जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, तो इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है और आज के लिए इनके लिए क्या है उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को 2 बात ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ राशि के जातक 2 बातों का ध्यान दें। पहला तो धन लाभ के योग, दूसरा बचत बढ़ेगी, कामकाज आपका ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। शुभ उपाय आपके लिए है माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है, क्या है उनके लिए खास उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मिथुन राशि से धन भाव में तो चंद्रमा स्वगृही है, आप कहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए, पंचम भाव में देखा जाए तो केतु की स्थिति है और नवम भाव में सूर्य बुध शनि है, दशम में गुरु शुक्र है, लेकिन द्वादश भाव में अगर देखा जाए तो मंगल है। ये मंगल क्या करेगा, धन हानि कराएगा, क्योंकि ये आयेश है, आय भाव का स्वामी होकर व्यय भाव में है। आय भाव का स्वामी जब व्यय भाव में होता है तो ऐसा मंगल यात्रा में धन हानि कराता है, चोरी हो जाती है, सामान नुकसान हो जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये सब चीज़ें आज आपको सतर्क रहने की हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अपने पेंडिंग काम आपको निपटा लेने चाहिए, इसमें आपकी भलाई है, इससे आपको मार्च तक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर आप काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, अपना काम डेली वर्कआउट कर लेंगे तो मार्च के अंदर अंदर तक आपको प्रमोशन की भी
संभावना दिखाई दे रही है। आपकी समझदारी से बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं, इसलिए धैर्य के साथ अपनी समझदारी का परिचय दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और हो सके तो रोजाना प्राणायाम करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। भगवान गणेश पर पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि के लोग, तो आपका आज का दिन कैसा बीतने वाला है आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही होकर के भले ही स्थित है, लेकिन केंद्रों में पापक ग्रह ही हैं। राहु और केतु ये दोनों चतुर्थ और दशम भाव में बैठे हुए हैं और मृत्यु भाव में सूर्य बुध शनि है, तो इसलिए कर्क राशि में चंद्रमा के होते हुए भी निवेश से धनहानि की संभावना बनी हुई है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज शेयर मार्केट में, कमोडिटी में ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश मत करिएगा, आज आपका निर्णय सही साबित नहीं होगा। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। नौकरी बदलने के लिए मन आप बना सकते हैं, ये समय आपके लिए शुभ है। देखिए, सही बात यह है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है और वो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि अगर परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो वो अब समाप्त हो जाएगा, आपसी समझदारी से समाप्त हो जाएगा। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है, सर्वाइकल की भी समस्या हो सकती है, इसके लिए आपको योगा करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहना चाहिए, चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की, कैसे आज का दिन उनका बीतने वाला है, किन बातों का उनको ख्याल रखना है, शुभ अंक शुभ रंग सिंह राशि के लिए क्या है जानते हैं। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी भले ही आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, लेकिन वो शनि और बुध के साथ है। बुध धनेश है आपकी कुंडली में, ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा चूंकि व्यय भाव में बैठा हुआ है, स्वगृही है, और आपके आय भाव का स्वामी बुध अपने भाव से नवम पंचम है, तो रुका हुआ पेमेंट तो आपको मिल सकता है। कोई नए व्यापार में बहुत लाभ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पुराना जो रुका हुआ आपका पेमेंट है वो आपको मिल सकता है। अगर आपका सरकारी कामकाज में कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो रिलीज हो सकता है। नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन घर में ही भाई से विवाद हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है, क्योंकि आपके तृतीय भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि भाई से विचारों में गतिरोध हो सकता है। मौसमी बीमारियां आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं भाई, इसलिए इस समय बहुत तेज वायरल फीवर चल रहा है, आप जरा सा उन लोगों से दूरी बनाएं जो लोग वायरल फीवर के इस समय चपेटे में हैं। सर्दी खांसी जुकाम जिनको हो रहा है, बुखार जिनको हो रहा है, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना इस समय उचित है। व्यर्थ के बाद विवाद से बचें, तुलसी में जल अर्पित करें और शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन कैसी रहने वाली है, कामकाज को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है, साथ ही आज के लिए क्या है इनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि से धन भाव में केतु की स्थिति बनी हुई है और कन्या राशि से छठे भाव में सूर्य बुध शनि की स्थिति बनी हुई है। सातवें भाव में बृहस्पति और शुक्र पूरी दृष्टि दे रहे हैं कन्या राशि पर, लेकिन बुध का रोग शत्रु के स्थान में जाना आपकी मेहनत का जो परिणाम मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मेहनत रंग लाएगी, पैसे में वृद्धि होगी, ये बात अलग है कि आपके मन के अनुकूल नहीं होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी भाई, ये भी सत्य है।
बाहरी खान पान आपको त्याग देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किसी पर व्यर्थ में न चिल्लाएं, हो सके तो किसी धर्मस्थान में गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी तुला राशि है तो राशिफल क्या कहता है, आज के दिन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। तुला राशि वाले कहेंगे कि रोज रोज हमारी राशि को खराब ही ये बताते हैं। देखिए ऐसा है ना, आपके राशि में केतु की स्थिति है और शुक्र छठे गया हुआ है, तो थोड़ा अभी 10-5 दिनों तक तो आपकी राशि खराब चलेगी ही। लेकिन एक चीज़ आज बहुत अच्छा है कि आपके दशम भाव में चंद्रमा है, आज आपको आमदनी का कोई नया जरिया मिल सकता है। विश्वास करिए, जरा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि नया आप क्या कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से पैसा कमाने का कोई नया जरिया आपको मिल सकता है और आपके धन धान्य में भी वृद्धि हो सकती है। ये केतु तब इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नौकरी में उन्नति का योग बना हुआ है और परिवार के साथ घूमने की योजना भी आप बना सकते हैं। दिन भर आपका स्वास्थ्य एकदम चहकता रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी कोई गुप्त बात आपको साझा नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जानकार व्यक्ति से भी अपनी बात साझा नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके आज तो छोटी कन्याओं को कुछ वस्त्र दान करना चाहिए, ज़रूरतमंद कन्याओं को। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम पहुंच गए हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का राशिफल क्या कहता है, आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है और किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी है, पंडित जी बताएंगे। भाई वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शनि की स्थिति है। कोई पुराना घर या पुरानी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दामों पर बिक सकती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको बेचना है, ऐसा मन आपने बनाया है, तो बहुत अच्छे दाम उसके मिल सकते हैं, जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। और एक बात कहूँ आपसे, आपके पंचम भाव में गुरु शुक्र है और आपके दशम भाव का स्वामी बुध अपने भाव को देख रहा है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, नई नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आपके लिए शुभ उपाय है, पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि का राशिफल जानते हैं। बात करते हैं धनु राशि की, इनका राशिफल क्या कहता है, आज का दिन कैसा बीतेगा, जानते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, केंद्र में बृहस्पति और शुक्र विद्यमान है भैया, और आपके लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा चला गया है। अष्टम भाव का चंद्रमा बीमारियों पर पैसा खर्च करवाएगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। चोट चपेट लगने की संभावना है, सतर्क रहिए। किसी नई योजना में निवेश बिल्कुल मत करिए, अभी समय आपके लिए थोड़े दिनों तक ठीक नहीं है। भगवान गणेश पर दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब इंतजार कर रहे हैं मकर राशि के लोग, तो मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है, कौन सी सावधानियां इन्हें जरूर बरतनी चाहिए, जानते हैं। मकर राशि पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है और मकर राशि से द्वितीय भाव में सूर्य बुध शनि है, तृतीय भाव में बृहस्पति शुक्र है। तृतीय भाव का बृहस्पति शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चंद्रमा की जो दृष्टि है ये धन का आवाजाही सामान्य रूप से बनाए रहेगी, ना हाथ में कड़की आएगी और ना जेब भरेगा, दोनों बातें हैं। कामकाज की बात अगर आपके करें तो काम से जुड़ी यात्रा पर आप जा सकते हैं
और जीवन साथी के साथ घूमने का भी आप प्लान बना सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप तो अपना ध्यान रखिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान तो भूल करके भी मत करिए। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए जानते हैं राशिफल कुंभ राशि की। सूर्य बुध शनि की स्थिति आपके राशि में है, कोई कारोबारी डील धन लाभ कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिस में दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाइएगा, मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई हस्ताक्षर, कोई दस्तखत जल्दबाजी में मत करिएगा और संकोच में मत करिएगा, वरना फंसिएगा। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, जानते हैं आज के दिन उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो आपके राशि में तो गुरु और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में कुंडली मार के बैठा हुआ है। क्या बताएं, आप सोचते होंगे कि हमारी राशि में स्वगृही गुरु है, उच्च का शुक्र है, तो सब बढ़िया होना चाहिए। लेकिन ये शनि व्यय भाव में स्वगृही है ना, तो ये धनहानि कराएगा, कोई ना कोई नुकसान कराएगा। और इस नुकसान से बचने के लिए आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कम से कम आलस्य न दिखाएं। काफ़ी समय के बाद परिवार से मुलाकात होगी, पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतिए। स्कूली बच्चों से और स्कूली बच्चों में शिक्षा से जुड़ा सामान आप बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।